हड़ताल की पूर्व संध्या पर दरभंगा जिला यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन का प्रेस कॉन्फ्रेंस लहरियासराय स्थित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भवन कार्यालय में हुई। वक्ताओं ने कहा कि बैंकिंग उद्योग में सेवारत सभी 9 यूनियन का फोरम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण तथा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल लाकर जो जन विरोधी नीति अख्तियार कर अपने कॉर्पोरेट मित्रों के हवाले करने का मन बना लिया है, उसके खिलाफ देश भर के बैंक कर्मी 16 एवं 17 दिसम्बर को हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत बैंकों के घाटे में चलने के नाम पर बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है। बताया जाता है कि बैंक घाटे में चल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि सभी बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चल रहा है। 13 कॉर्पोरेट घरानों के पास बैंक का 4,86,800 लाख करोड़ ऋण बकाया था, जिसे मात्र 1,61,820 करोड़ में समझौता करवाया गया और इस प्रकार बैंक को 2,84,980 लाख करोड़ रुपए का बैंकों को नुकसान उठाना पड़ा है। यह हड़ताल बैंक कर्मी अपने किसी वेतन बढ़ोतरी या सुख सुविधा की मांगों के लिए नहीं कर रही है, अपितु अपने सामाजिक दायित्व बैंक को निजीकरण में जाने से रोकने के लिए निर्वहन कर रही है। हम दरभंगा के आमजनों से अपील करते हैं कि 16 एवं 17 दिसंबर 2021 को हड़ताल के दिन बैंक कर्मियों का साथ देकर उनके हौसले को अफजाई करें तथा सरकार के बैंकों के निजी हड़ताल की पूर्व संध्या पर दरभंगा जिला यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का प्रेस कॉन्फ्रेंस लहरियासराय स्थित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भवन कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैंक में अपार रिक्तियां हैं, बेरोजगारों की एक लंबी फौज है, लेकिन बैंक में अपेक्षित नई बहाली नहीं की जा रही है। हम दरभंगा के आमजनों से अपील करते हैं कि 16 एवं 17 दिसंबर 2021 को हड़ताल के दिन बैंक कर्मियों का साथ देकर उनके हौसले को अफजाई करें तथा सरकार के बैंकों के निजीकरण नीति को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत कुमार सिंह, तरुण कुमार, प्रदीप कुमार मिश्रा, गौरी शंकर चौधरी, सरोज कुमार सिंह, मोहम्मद कैसर आलम, मनेंद्र कुमार शर्मा, अखिल भारतीय किसान सभा के राजीव कुमार चौधरी, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री फूल कुमार झा, दरभंगा जिला किसान काउंसिल के सचिव श्याम भारती थे। हमारा संस्था है, संस्था तो कोई भी स्टाफ जिससे हम लोग बाल बच्चा पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, हम लोग का टीम है, अपना संस्था है, तो हमारा बैंक कर्मी चाह करके भी स्ट्राइक करना नहीं चाहता है। मजबूरी में हम लोग पुनः सरकार के इस लंबाई रवैये को देखते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हर समय जब कभी हम लोगों की आवश्यकता पड़ी है आप प्रेस वाले सदियों से मदद करते आ रहे हैं और काफ़ी लोगों के मदद से हम लोग अपनी ऊंचाइयों को छूते आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि पूरा प्रेस को सभी लोग एक साथ है। एक शेर याद आ गया, न गर्मी ऊन में है न गर्मी जून में है, न गर्मी ऊन में है न गर्मी जून में है, न गर्मी आपके जुनून में। इस जुनून को आप लोग देखते हुए हम लोग एक जुनून सा पैदा हो गया है। श्वेत क्रांति जितना चीज है सब सरकारी बैंक है, लेकिन आप स्थापना जो कहावत है कि बदनाम करो और इसके बाद बंद करो, आप काम करने का पहले का बहाली कीजिएगा नहीं, कंप्यूटर दे दीजिएगा बैंक में तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिएगा नहीं, हम आपका पासबुक प्रिंटर कर रहे हैं बैंक, अब क्या है बड़ा छोटा छोटा जगह पर, अब गैस का सब्सिडी आया, पासबुक बैंक में भी बढ़ती चली जाएगी, पेंशन आया भले उसको नहीं निकालना है लेकिन पासबुक का अपडेट, स्टाफ चाहिए इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो बहाली करेगी नहीं, और तब पाएगा क्या नेचुरली, आप यदि हमारे बैंक से निकलिए अगर डिससेटिस्फाइड होते नहीं अगर तो सरकारी बैंक में काम देंगे, पहले आप जिस बैंक में जाते थे सभी आदमी का बैंक में खाता होता, उस समय में बैंक का कितना स्टाफ था आज कितना स्टाफ, जहाँ पर ट्रस्ट स्टाफ था वहाँ पर दो स्टाफ से काम हो रहा है। हम बैंक कर्मी हड़ताल करना नहीं चाहते, बैंक एक ऐसा संस्था है जो अपना पैसा कटा के हम लोग हड़ताल में जाते हैं, हम लोग जब हड़ताल में रहेंगे तो हम लोग वेतन संस्था नहीं देगी, एक ऐसा मतलब इस चीज़ में हम लोग काम करते हैं, हम लोग अगर हड़ताल में जाते हैं तो उसका पैसा हम लोग कटवा देते हैं।
गलत नीतियों के कारण बैंक कर्मी हड़ताल पे जा रहे हैं। 16-17 जो आप लोग पता है प्रस्तावित हड़ताल है पूरे देश में और ऑल इंडिया लेवल पे हड़ताल होगी, और इस हड़ताल में हम लोग का जो जितनी भी शाखाएँ बैंक की राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएँ हैं, हम लोग प्राइवेट बैंक वालों से भी आग्रह करेंगे कि वो लोग भी कल परसों लोगों के लोगों का बड़ा सपोर्ट करें। किसान सभा के लोग हैं, अराजपत्रित कर्मचारी संघ के लोग हैं, स्टूडेंट के लोग हैं, सब लोग हम लोगों के साथ में पूरे देश में, और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भी इसको मतलब मास लेवल पर जाएँ, क्योंकि ये आम जनता से आम जन से जुड़ा हुआ चीज़ है। आप लोग भी हैं, आपके इस संस्थान से जुड़े हो सकते हैं, वो कॉर्पोरेट कराने के लोग को जो पत्रकार मीडिया हो उनका खाता प्राइवेट बैंक हो सकता है, लेकिन आपका जो मानदेय है या आपका जो मतलब प्रोत्साहन राशि देते हैं आप जुड़े होंगे कहाँ से, तो वो राष्ट्रीयकृत बैंक से ही जुड़े होंगे। किसान का आज अनुदान राशि आता है हम लोग उसको देते हैं, स्टूडेंट का जो पैसा आता है स्कॉलरशिप देना होता है सरकार, किसी प्राइवेट बैंक में कोई बच्चा जाके खाता नहीं खुलवाता है, वो सारा हम लोग हैं, हम लोग ही करते हैं। सरकार इसके पीछे लगी हुई है कि जो प्रॉफिट में चलता हुआ चीज़ है उसको बेच दो, कुछ कॉर्पोरेट घराने के लोगों के हाथ में दे दो और इन लोगों को सड़क पे ला। आम जन को जो गाँव गाँव में बैंक खुला हुआ है, कोई प्राइवेट बैंक गाँव में ब्रांच खोलने नहीं जाती है, पंचायत स्तर पर गाँव नहीं जाती है। इस न्यूज़ के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।